नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे हमारा शरीर किन चीज से मिलकर बना होता है। तो हमारा शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। सेल हमारी दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल हमारी बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा यानी कि जो माइक्रोजीव होते हैं वो सब प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में मनुष्य हो गए, गाय हो गई, बाघ, शेर बाघ, ये सब हमारे यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होते हैं। एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, जैसे अगर घर बनाना है तो हमें ईंट ईंट जोड़ना पड़ेगा। ईंट ईंट के अगर आप जोड़ोगे तो एक दीवार बन जाएगा, दीवार दीवार को जोड़ दोगे तो एक कमरा बन जाएगा, और कमरे कमरे को जोड़ दोगे तो एक घर बन जाएगा। सेम ऐसे ही अगर आप कोशिका कोशिका को जोड़ दोगे तो टिश्यू यानी ऊतक बन जाएगा, और ऊतक ऊतक को जोड़ दोगे तो एक अंग बन जाएगा, जैसे हमारा हाथ पैर, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि हमारा फेफड़ा, ये सब एक अंग बन जाएगा, और अंग को जोड़ दोगे तो एक शरीर बन जाएगी। इसलिए कोशिका को जीवन की संरचना बहुत क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ऐसे ही नॉलेज वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।